मेहंदी लगा ली हाथ में पंपू लाल पहुंच गए बैठ गए स्टेज पर वीडियो बन रही है और वीडियो बनने के बाद लड़की की वीडियो बन रही है दुल्हन की हेमा माली की अम्मा की आज वो इतनी सजी हुई है लिपस्टिक क्रीम पाउडर सब सबके लग रही है जैसे वो हेमा माली की अम्मा बन गई हो लगी उसकी भी वीडियो बन रही है ये सारे हराम काम करने के बाद निकाह पढ़ने के पढ़ा जा रहा है मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह कबूल किया लड़के ने कह दिया निकाह कबूल किया और निकाह के बाद दुआ हो रहा अल्लाह शादी शुदा जिंदगी में बरकत अता फरमा हराम काम करने के बाद बरकत की दुआ दे रहा हूँ दो साल में तलाक हो जाएगी शर्म नहीं आती तुम्हें दुआ देते हुए सारे हराम काम करने के बाद वहां दुआ दौ दुआ दे रहा। नापाक नमाज पढ़ लो नापाक बगैर वजू के मस्जिद में चले जाओ नमाज पढ़ लो और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे दो है रोजी रोटी में बरकत अता फरमा अब आप गौर करो ये सारे गलत काम करने के बाद आप दुआ मांगेंगे दुआ कबूल होगी दुआ कबूल कहाँ होगी जब आपका रिस्क भी हलाल हो आपने सौ रुपए का पंजाबी खरीदा निन्यानवे रुपए आपने रिक्शा चलाया ई रिक्शा चलाया टोटो चलाया और कुर्ता मिल रहा है सौ रुपए का पंजाबी मिल रहा है सौ रुपए का निन्यानवे रुपए आपके मेहनत के एक रुपया आपको हराम का मिल गया आपने सौ रुपए मिला के पंजाबी ले लिया आपने वजू भी बनाया आपने गुसल भी किया आपने नमाज भी पढ़ी आप दुआ भी मांग रहे हैं लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक वो कुर्ता तेरे जिस्म पर रहेगा रब काबा की कसम उस की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है अल्लाह के नबी कहते हैं एक रुकू कबूल नहीं एक कयाम कबूल नहीं एक सजदा कबूल नहीं निन्यानवे रुपए हलाल के एक रुपया हराम का निन्यानवे रुपए कड़ी मेहनत के पसीना बहाकर कमाया एक रुपया हराम का मिला दिया है जब तक वो कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर रहेगा नमाज कबूल नहीं होगी अब नमाज के बाद कहो अल्लाह मुझे ये दे दे मुझे ये दे दे मुझे ये दे दे ऊपर से आवाज आती है मलबस हराम वह बिल हराम आए फरिश्तों मेरा बंदा देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है मैं भी चाहता हूं कि दूं लेकिन कैसे दूं ये जो खाकर आया वो हराम का का। जो पीकर आया वो हराम का जो पहनकर आया वो हराम का इसकी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम का फअनना युस्तजाबुलザलिक हम अपने बंदे की दुआ सुने तो कहाँ से सुने 99 99 रुपीस हलाल के मेहनत के और उसके बाद एक रुपया हराम का जब ऐसा करने के बाद भी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो हमारी शादियों में डीजे और ये सब और उबने हल्दी मेहंदी सब करने के बाद और वीडियो बनाने के बाद लड़का और लड़की को फिर कहो अल्लाह शादी में बरकत अता फरमाए ये दुआ कबूल होगी मजाक बना के रख लिया आपने दुआओं का मजाक बना के रख लिया आपने इस्लाम की तालीमात का जितना मुसलमानों ने इस दौर के मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया अल्लाह की कसम गैर मुस्लिमों ने भी इतना इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जितना मुसलमानों ने इस्लाम का मजाक उड़ाया जब चाहे तब खड़े हो गए अल्लाह ये कर दे अल्लाह वो कर दे अल्लाह वो कर दे अरे पहले देख तो उसकी हैसियत क्या है पहले देख तो अल्लाह के नबी के पास जो आता था आप उसके लिए दुआ हिदायत की दुआ कर देते थे पहले कुछ नसीहतें करते थे जाओ पहले ऐसे करो हम कहां हैं मजाक बना लिया मौलाना साहब हाँ दुआओं में याद रखना अरे एक दुआ मौलवी जर्जीस तुझे दुआओं में याद रखे कि अपने बेटे की दुनिया दीन देखे अपनी औलाद का देखे अपने रिश्तेदारों का देखे एक फैशन बना लिया दुआओं में याद रखना मौलाना दुआ करना मेरे लिए तू हराम पे हराम खाता जाए मौलवी जर्जीस तेरे लिए दुआ करे अरे तू खुद हलाल रोजी खाना शुरू कर अल्लाह की कसम अल्लाह खुद कहता है मेरे बंदे मुझ पर वैसा भरोसा कर जैसे करना चाहिए हम तुझे वैसे रोजी देंगे जैसे चिड़िया भूखे पेट घोंसलों से निकलती हैं और शाम को जब वापस आती है तो उनका पेट भरा हुआ होता है समंदर में एक विहील मछली रहती है जो चालीस टन गोश्त खाती है चालीस टन एक दिन में अल्लाह कहता हम अब उस मछली को भूखा नहीं सोने देते दो रोटी खाने वाले तू क्यों परेशान है हम तुझे भूखा नहीं सुनाएंगे तू क्यों इस दो रोटी के लिए किसी का हक मार रहा है तू क्यों इस दो रोटी के लिए किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है तू क्यों इस दो रोटी को कमाने के लिए नाजायज माल हासिल कर रहा है क्यों ऐसा कर रहा तू मेरे बंदे मैंने तुझे पैदा किया है इस दुनिया में तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा मैं तो वो हूं जो काले रंग की काली चूटी जब काले पहाड़ पर चलती है तो मैं उसको भी रिस्क देता हूं समंदर की तारीकी में कोई मछली भूखी नहीं सोने देता हूं तू क्यों परेशान है तू मुझ पर भरोसा तो कर ईमान नहीं हमारे पास कहां चला गया हमारा ईमान मैंने बताया ना ईमान की सबसे बड़ी खूबी क्या है उसके अंदर ताकत आ जाती है उसको अल्लाह की सिफा कुछ नहीं दिखाई देता नहीं यकीन आता है पचासो बार सुना होगा मेरे मुंह से भी सुन लो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा दिया पहला बेटा इस्माइल हाजरा के पेड़ से हुक्म होता है आए इब्राहिम अपनी ब, अपनी बीवी और बेटे को बियाबान जंगल में छोड़कर चले आओ और सुनो हम सोच बिचारी चाचा बैठे हैं उसको देखो वो ज्यादा जाने दो जाने दो अभी ये लोग निकल जाए तो अभी अच्छा है लगता है सुगर पेशेंट है शायद सुनिए सुनिए अब लोग वो भी सोच रहे होंगे जब ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट वो ड्राइवर होता है जब वही पूरा जलसा चलाता है जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं मेरे भैया इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी हमारा ख्याल रखो ना गाड़ी भिड़ जाएगी तो इंसानी ज़रूरियात हैं हो जाती हैं लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें इब्राहिम को हुक्म होता जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो मेरी माँ बहनों सुनो हम माँ बहनों कहते हैं बहनों भाइयों नहीं बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं थोड़ा सा तो फ़र्क होना चाहिए ना डिफरेंट होना चाहिए वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फ़र्क क्या रह गया फर्क है बहुत फ़र्क है ज़मीन व आसमान का फ़र्क है अलैहिस्सलाम को गुम होता और वो अपनी बीवी को मैदान मीना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं तुम्हें भी लगे कि हां जलजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं, गोया कि मैं उसी मक्के में हूं जिस जगह पर इब्राहिम सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था एक दिन का या दो दिन का पानी था बस ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे पेड़ थे ट्रीज थी बहुत ज्यादा लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी कोई परिंदा नहीं बैठा था चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आस पास उनको पानी मिल जाए लेकिन वहां तो आस पास कहीं पानी ही नहीं इसलिए चिड़ियों ने कौ ने कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए पानी नहीं था दूर दूर तक ठंडा हो गया हो तो दो नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है अलीपुर द्वार न्यू वाली दूरद्वार काफी दूर है तो निकलना भी है तो सुनिए मेरे भाइयों लेकिन है बंगाल ही में तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को अब बीवी को क्या मालूम था बीवी को नहीं मालूम था वो तो सोच रहे यहां पर हस्बैंड के साथ शोहर के साथ जा रहे हैं और इब्राहिम सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं वापस आ जाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है रात ही रात में जब चाह बंद कर दिया नोट नहीं चलेगा दो हजार का ये तो पागलपन है छोड़ दिया दरख्त हैं, लेकिन चिड़िया नहीं है साय साए, साए बीत रही है जंगल में और आज भी मौलाना जर्जी को रात के अंधेरे में मालदा से कलिया चक से मालदा जाने में डर लगेगा रात में दो बजे तीन बजे चार पांच लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए लेकिन सोचो आज लाइटें हैं तब मोबाइल का जमाना है तब वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके अबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया अल्लाह की कसम दस मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे यहां छोड़ा चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो जाने लगे हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शोहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं आ इब्राहिम कहां जा रहे हो इब्राहिम अल्लात वसलाम ने हाथ पकड़कर झटक दिया अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया आगे फिर बढ़ गए बीवी ने फिर कहा मैं आप ही से कह रही हूं मेरे हस्बैंड कहा जा रहे हो कोई जवाब नहीं दिया हमारी औरतें तो जवाब देने में बड़ी माहिर हैं। हर चीज का जवाब नहीं होता है बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है इब्राहिम अपनी बीवी से के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं जानते हैं कि जवाब देंगे तो दूसरा सवाल उठेगा उसका जवाब देंगे तो तीसरा उठेगा वक्त की बर्बादी होगी चले आगे बीवी ने फिर कहा आए इब्राहिम क्या मुझसे कोई गलती हो गई एक बीवी का जो फर्ज है क्या मैं उसको निभाने में नाकाम रही क्या मैंने आपके साथ कोई गलत किया क्या आप मुझसे परेशान हैं मैंने आपको कभी किसी चीज का दुख दिया है शायद इब्राहिम अलैहिस्सलातो तो वसलाम के पास हाजरा के अपनी बीवी के सवाल का जवाब भी नहीं था वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जाहिर है इतने सवालों के बाद बीवी को गुस्सा ही जाएगा वो दौड़ती हुई फिर आगे बढ़ी और पीछे से कुर्ता कमीज पीछे से खींचते हुए कहा जा रहे हो तो जाओ मैं रोकूंगी नहीं इतना तो बता दो इलामता तो रुकू ना कुरान के अल्फाज देखिए इला हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चे इस माह को किसके किस सुपुर्द करके जा रहे हो यहां जंगल है बियाबान जंगल है दरिंदों की आवाजें आ सकती हैं खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं या कोई काफिला आ गया और मेरी इज्जत आबरू को लूट लिया हमारी इज्जत को तार तार कर दिया तो कल जब आप पाओगे और मैं आपको चेहरा दिखाने के लायक न रही फिर मैं आपको क्या जवाब दूंगी जा रहे हो तो जाओं रुगुना हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो हमें किसके हवाले करके जा रहे हो आए घरों की चौखटों पर भरोसा करने वालों घरों में बनाई हुई ताक पर भरोसा करने वालों अगरबत्तियां जलाकर बुजुर्गों की रूहों को अपने घरों में बुलाने वालों जमीन की मिट्टी चूमने और चाटने वालों तोहीद सीखो बीवी ना हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो हमें किसके हवाले करके जा रहे हो आवाज आती है यहां और इसको जरूरी समझा इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा लेकिन अपनी बीवी के सवाल का कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो इसका जवाब दिया उंगली से करके इल्ला आए मेरी बीवी मैंने तुझे और तेरे बच्चे को अपने बच्चे को इस्माइल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है अल्लाह के हवाले कर दिया है अल्लाह के हुक्म से मैंने यहां छोड़ दिया है अब अल्लाह जहा हुक्म देगा मैं जा रहा हूं कब आओगे पता नहीं एक दिन भी लग सकता है एक हफ्ता भी लग सकता है एक महीना भी लग सकता है एक साल भी लग सकता है दस साल भी लग सकती है यह भी हो सकता है कि ना सक। कोई जवाब नहीं किसके सुपुर्द? इसका जवाब दिया अल्लाह के बस अब हाजरा मुस्कुरा देती है जानती थी ईमान क्या है देखिए जो खौफ था कि शेर ना खा जाए जो खौफ था इस जंगल में कोई आकर मेरी इज्जत व आबरू न लूट ले जब हाजरा ने सुना मेरे शोहर ने कहा अल्लाह के ईमान देखिए दामन छोड़ देती है ताकत आ जाती है ईमान की हाजरा के अंदर और क्या कहती है अब आप जाइए अब आप जाइए इब्राहिम ने पीछे मुड़ के नहीं देखा चले चले जा रहे पीछे मुड़के देखेंगे बच्चा अंगूठा चूस रहा है पैर हिला रहा है कहीं बच्चे की मोहब्बत मेरे दिल में जोश न मार जाए कहीं हम फिर अपने बच्चे के पास लौट के ना जाए कहीं अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना हो जाए पीछे मुड़के नहीं देख रहे ईमान कुर्बानियां मांगता है तुम डीजे की कुर्बानी नहीं दे सकते हो नाम है इकरामुद्दीन नाम है तजम्मुल नाम है तुफेल अहमद नाम है मोहम्मद जर्जीस नाम है मोहम्मद फला मोहम्मद फला पूछो कुर्बानी क्या दी है कुछ नहीं ली और है दूसरों की दी अब जाओ छोड़ दिया जब इब्राहिम दस कदम आगे बढ़ गए तब बीवी ने कहा आप मेरी फिक्र मत करना इस बच्चे की फिक्र मत करना इब्राहिम अपने काम में मन लगाना अल्लाह तुम्हें जिस काम के लिए भेज रहा है उस काम को दिलो जान से करना मेरी फिक्र मत करना मेरी तरफ दिमाग मन लगाना इस बच्चे के बारे में मत सोचना आए मेरे हस्बैंड आपने मुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है मैं आपसे वादा करती हूँ नहीं करेगा अब को बर्बाद नहीं करेगा क्या था? क्या भरोसा था क्या बिलीफ था अल्लाह की जात पर अब आप गुजा जाना हो जाइए अल्लाह हमको जय नहीं करेगा अल्लाह हमको अब बर्बाद नहीं करेगा अल्लाह हमको अब रसुआ नहीं होने देगा अब आप अपना काम मन लगा के करना अल्लाह का काम मन लगा के करना उसमें कोताही मत होने देना यहां हम संभाल लेंगे हम देख लेंगे एक बीवी ने अपने शोहर की ऐसे हिम्मत बन, हिम्मत बनाई और उनके काम में ताउन किया और रुकावट नहीं बनी दीन के लिए जाने दिया चले गए अब जो चीज बताना चाहता हूं वो देखिए इस ईमान की ताकत का नतीजा क्या निकला सत्तू खत्म हो गए पानी खत्म हो गया हाजरा कहती है मैं तो प्यासी रह जाऊंगी बच्चा कैसे प्यासा रहेगा पानी नहीं है सोचती इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर देखूं शायद पहाड़ी के नीचे कोई बस्ती कोई कबीला रहता हो पानी मिल जाए अंदर पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है उस पहाड़ी का नाम है सफा सफा से झांक कर देखती है कुछ नहीं है खाई पड़ी हुई है गहरी खाई है मरवा की तरफ जा रही है पहाड़ी से उतरती है चलती है कहीं तेज चलती है कहीं आहिस्ता चलती है कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है कहीं फिर आहिस्ता चलती है जहाँ जहाँ वो तेज दौड़ी थी सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है हरी बत्ती यहाँ से तुम्हें तो तेज़ दौड़ना है और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है लेकिन मर्दों के लिए औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी कहीं आहिस्ता मरवा पे पहुंच गई वहां झांक कर देखा खाई पड़ी है कुछ नहीं लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं फिर भी बार बार चक्कर लगा रही है फिर सफा फिर मरवा फिर सफा फिर मरवा सात चक्कर लगाती हैं, सात चक्कर फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं अल्लाह मैं नहीं जानती जो कर सकती थी वो कर लिया मेरे शौहर ने इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है अय अल्लाह अगर आज मैं हलाक हो गई ये बच्चा हलाक हो गया तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा अल्लाह मेरा हसबैंड मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है अल्लाह वालों के इम्तहान होते हैं यहाँ अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं करो पहुंच जाते हैं ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं मेरे प्यारे साथियों से गलत फहमिया पैदा होती हैं यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं यहीं से डाउट्स उठते हैं आइए चलिए और देखिए मंजर मेरे शोहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है इसके लिए पानी का इंतजाम कर अभी उसने इतना कहा ही था मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा जाओ आए जिबरील जमीन पर जाओ जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया चश्मा फूट गया पानी का हाजरा ने पानी देखा पानी बह रहा है हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी पानी जब थोड़ा हो तो समटे वो तो बह रहा है फिर समेटती है फिर समेटती है पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी पानी कहां जा रहा है पानी कहां जा रहा है फिर समेटती है कहती जम 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 ये अबरानी जबान का शब्द है उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी जम 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 रुक रुक अरे कहां जा रहा रुक रुक ठहर जा रुक जा स्टॉप रुक जा पानी नहीं रुक रहा है फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी आगे पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन और मिंबर पे खड़े होकर कहा था अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुडेर उसने पानी की एक खड़ी कर दी अगर उसने पानी की मुड़ेर ना बांधी होती पानी की रोकथाम न की होती तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती जो पानी आज गंगा का देख लो है ना लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं पेशाब भी कर रहे हैं और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है जो भी आता है वो क्या कहता है हम गंगा साफ कराएंगे इसका मतलब गंगा गंदी है और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती आज जमज़म की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता जो चीज बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है इसलिए हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी दो चीजें एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है कोई इज्जत नहीं है औरत पे सारा जुल्म वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ सातवें आसमान पर सुनी और दूसरा यह पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी जितने चक्कर लगाए हाजरा ने अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मोतमिर पर उमरा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए और इतना ही नहीं हाजरा जहां दौड़ी तेज वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना है जहां आहिस्ता दौड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर जो है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी और जहां हाजरा आहिस्ता दौड़ी कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फर्क जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे एक औरत के पैरों के रखने की जगह को एक औरत के नक्शे पा को एक औरत के पैरों के निशान को एक औरत के पैरों के कदमों को जहां जहां से वो गुजरी अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है एक मर्द को चार औरतें रखने की इजाजत है लेकिन एक औरत को चार मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है उनके ऊपर फर्ज है क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है करवा चौथ का व्रत रखकर लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है क्या मतलब हुआ मर्द जिए 200 साल औरत मर जाए 25 साल में सवाल हमारे पास भी हैं लेकिन नहीं कह सकते हैं सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है आप कहिए डरते हो डरते नहीं हो इसी का नाम मसलहत है वरना आज ये जमाना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है क्या गुनाह था उनका मुझे बताइए क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया जब जीतेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई ऐतराज़ नहीं है तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों ऐतराज हो रहा है नहीं होना चाहिए लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था बकरी भी पानी पी रही थी तो शेर ने बकरी से पूछा ए तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया देख रहे हैं सवाल पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है तो पानी जहाँ शेर मुँह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है शेर कर रहा है इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे मजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा पानी झूठा कौन कर रहा है और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूरे? बकरी बोली राजा हमारी क्या मजाल के मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं बकरी ने जवाब सही दिया शेर ने कहा अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे जबान भी लड़ा रही है मुझसे आया और मारा एक पंजा वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का मेरे भाइयों शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो बहुत कुछ समझ जाओगे और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की जरूरत है इस वक्त नारे लगाए जाएंगे हमें भड़काया जाएगा मुश्तिल किया जाएगा जैसे दिल्ली में नारे लगे थे देश के गद्दारों को गोली मारो आगे का जुमला आपको ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये नारे लगते ही है उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है फिर नारे लगाए जाएंगे और हम आपके यहां ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारे इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है मुश्तिल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है पूरा गेम फिट है इस वक्त अकलमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे ना दें वो हमारे मोहल्ले में आएंगे कहेंगे जय श्री राम अकलमंदी यह है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में यह ना कहें अल्लाहू अकबर वो यही तो चाह रहे हैं कि हम यह कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता अभी मैंने बताया इब्राहिम सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया एक बात और याद रखना इस वक्त मुसलमानों तुम्हें पॉलिसी अपनाना पड़ेगी तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा और यह सोचकर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं हाथी जा रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं हाथी पलट के भी नहीं देखता क्योंकि उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी हजार कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है अपनी मंजिल को पाना है खामोशी के साथ चलते रहो कुत्ते भौंक रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश मत करो अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीज कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में अपने आप को हाथी बनाओ भागने वाले कुत्तों का जवाब ना दो बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया आपने और भी दंगे देख लिए नुकसान किसका हुआ प्रशासन किसका साथ देता है यह सब आपकी नजरों के सामने है आप जरा भी गुस्सा हुए जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा फायदा भी उन्हीं को होगा इसलिए इबरत हासिल करो सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो आपको एक वाक्य सुना दू एक शेर भी शिकार के लिए निकला भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी लोमड़ी जानते ना फॉक्स आप यहां क्या, क्या कहते हैं सार तीन लोग शिकार के लिए निकले कौन कौन शेर लॉय भेड़िया भी और लोमड़ी तीन लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया तीनों ने शिकार कर लिया शेर ने हिरन मारा भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं यह मिसाल आप समझ गए अल्लाह की कसम जरजीस कामयाब शेर ने हिरन मारा भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश रेबिट तीनों जानवर मरे पड़े हैं इधर हिरन इधर बकरी इधर रेबिट शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला करो सही फैसला करना भेड़िए ने कहा बहुत आसान हाँ बताओ कैसे भेड़िए ने कहा अरे ज, राजा किंग हिरन आप खा लीजिए बकरी मैं ले लेता हूं और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए तीन जानवर और तीन ही खाने वाले आप बड़े हैं हिरन ले लीजिए हम बकरी ले लेते हैं लोमड़ी को खरगोश रैबिट दे देते हैं शेर ने कहा इतना बुरा फैसला इधर आ, मारा एक पंजा भेड़िए की गर्दन गायब मर गया वो भेड़िए साहब मर गए उसने कहा कम फैसला करना नहीं जानता इतना बुरा फैसला किया लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो लोमड़ी कहती बहुत आसान कहा क्या कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए